आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी की समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार उनके नेता ही उनकी पार्टी के और पार्टी के नेतृत्व की फजीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन विधानसभा चुनाव में मजबूत था, गठबंधन चुनाव जीतने के दावे करता रहा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावे करता रहा और चुनाव ना जीतने के बाद ये गठबंधन टूटता भी रहा। ये प्रथाएं पहले से चली आ रही हैं और इस बार के चुनाव में भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे वो प्रसपा हो या अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने बढ़ चढ़ कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो था, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद से ही कई खेमों से ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कभी कोई राजनीतिक दल किसी और राजनीतिक दल के संपर्क में है जो कि गठबंधन का ही है, और कभी अपने ही नाराज समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। पहला नाम था शिवपाल सिंह यादव का, कितना रार हुआ, अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि शिवपाल सिंह यादव 2 से 3 दिन में कोई नया बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि अभी जब MLC के चुनाव के दौरान, विधान परिषद के चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव वोट डालने गए हुए थे तो वहां पर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को कहा था कि आने वाले दिनों में मैं एक बड़ा फैसला लेने वाला हूं। वो बड़ा फैसला क्या है ये देखना अहम होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज हैं और नाराज होने का कारण सिर्फ ये है कि उनकी जो अपेक्षा है वो लगातार की जा रही है। अब एक और नया मामला निकलकर सामने आया है, वो है आजम खान का। आज सुबह से ही मीडिया के बाजारों में ये चर्चा काफ़ी गर्म चल रही है कि रामपुर में काफ़ी नाराज़गी है अखिलेश यादव को लेकर के, अखिलेश यादव के फैसले को लेकर के, और वो फैसला ये है कि अखिलेश यादव आजम खान के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये मामला उठा तब जब रामपुर में एक जनसभा या बोला जाए तो एक छोटी सी सभा हो रही थी और उस सभा में आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो अभी है उसकी फजीहत कर डाली। फजाहत ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समय पर यह कहा था कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, और फजाहत ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ की इस बात, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह बात बिल्कुल सिद्ध साबित हो रही है, क्योंकि जब से आजम खान जेल में है तब से अखिलेश यादव मुलाकात करने नहीं पहुंचे, स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, चुनावों में कहीं नाम वाम नहीं लिया गया, कभी साथ आने की कोई बात नहीं हुई, ये सारी बातें उसने बोली फजाहत खान ने आजम खान को लेकर के और अखिलेश यादव को लेकर के। ये भी बोला कि आजम खान जैसे बड़े नेता जिन्होंने पार्टी को सींच करके यहां तक पहुंचाया, जिसने समाजवादी पार्टी के मुखियाओं को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 4 बार पहुंचाया, उन नेताओं को ही अब दरकिनार किया जा रहा है पार्टी से, आजम खान का नाम लेते हुए ये बात कही। ये भी कहा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को अब्दुल का वोट तो चाहिए पर उन्हें अब्दुल के कपड़ों से बदबू आती है, यानी मुस्लिम वोट तो चाहिए और मुस्लिमों से बदबू भी आती है, ऐसी सोच है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। कई और अहम बातें फजाहत ने कही हैं। फजाहत ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री तो बनवा दिया लेकिन बदले में हमें क्या मिला, हमारे नेता के लिए सोचा नहीं जा रहा है, हमारे नेता को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया, क्यों अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठ गए, क्या हमारे नेता ने इतना कुछ पार्टी को दिया, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया है, तो क्यों उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में बना करके उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं किया गया, किस सोच के तहत अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, ये सारे बयान जो है वो फजाहत ने दिए। अब कोई कह रहा है कि ये एक कार्यकर्ता के अपने बयान हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता के अपने बयान हैं तो क्यों आजम खान के किसी भी करीबी ने, चाहे उनका
अब्दुल्ला आजम खान की बात कर ली जाए, उनके बेटे की, क्यों अब्दुल्ला आजम खान ने इसको लेकर के कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की, ये क्यों नहीं कहा कि ये किसी एक व्यक्ति का या एक कार्यकर्ता के अपने निजी विचार हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अखिलेश यादव की नीतियों से प्रसन्न हैं, इस तरह के बयान क्यों नहीं आए? ये भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला कि ये जो बयान आया है ये किसी एक व्यक्ति का है, इस पर विचार ना किया जाए। और विचार राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर के काफ़ी तेज हो गई है कि आखिर अखिलेश यादव की समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं। कहा यही जा रहा है कि अखिलेश यादव के आसपास की जो उनकी लॉबी है, उनके जो नेता हैं, वो उसमें इस कदर घुल मिल गए हैं, इस कदर घिरे हुए हैं कि वो अपने सीनियर नेताओं को भूल गए हैं कि उन सीनियर नेताओं ने पार्टी को क्या दिया, उन सीनियर नेताओं ने पार्टी को कहां तक पहुंचाया, और उन सीनियर नेताओं को अब किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, पार्टी की, नेता की, या फिर जिस स्थिति से वो गुजर रहे उस स्थिति की। इस पर अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, हम भी आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार जो समस्याएं हैं समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, वो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनका जो गठबंधन है, उनकी जो पार्टी है, जो नेता हैं, वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। शफीकुर रहमान भी अभी बीते दिनों एक बयान देते हुए नज़र आए थे, आज़म खान का मामला सामने आया, शिवपाल सिंह यादव को लेकर के अखिलेश यादव की जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी पिछले दिनों सबने देखी कि जब विधायकों की बैठक हुई थी तो उस बैठक में तस्वीरें तो आ गई थी कि 111 विधायकों के साथ अखिलेश यादव फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि 111 विधायकों में शिवपाल सिंह यादव भी आते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ही समाजवादी पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़कर जीते हैं। तो आखिर जब शिवपाल उसमें नहीं थे तो 111 विधायक कैसे हो गए? तो ये जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उनके गठबंधन के नेताओं की, ये लगातार अखिलेश यादव की समस्याएं अब बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है आज का, क्योंकि जिस विपक्ष को उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत बनाया, और जिस विपक्ष की चर्चा हम कर रहे थे कि अखिलेश यादव आ गए हैं तो समस्याएं पैदा करेंगे सरकार के लिए, लेकिन जहां आज दिल्ली में 24 के चुनाव के लिए बीजेपी बैठक कर रही है, रणनीति तय कर रही है, वहां अखिलेश यादव अपने घर के कलह से, अपने पार्टी के कलह से बाहर नहीं निकल पा रहे। बयान सुनिए, फिर मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। आखिरी सवाल, आजम खान के पीआरओ की तरफ से कहा गया कि अखिलेश जी को हमारे कपड़ों से बू आती है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सोचना आपका? अब ये आजम खान साहब या उनके परिवार को अब समझ में आया कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोटों को, एक मुस्लिम समुदाय को वोट मानते थे, हम लोग उनको इंसान मानते हैं, यही अंतर है। तो वोट मानते थे तो वोट के तक तो वो सही थे, वरना उनके कपड़ों से बू आती है, ये बता रहे हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वही बता रहे हैं। बिल्कुल नाराज है, नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई आजम खान साहब ने, फाउंडर मेंबर आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के, 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हूँ, अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई है। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बनाते, सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, और आप नेता विपक्ष बनेंगे, आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, आप तो वैसे भी एक्स सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए, और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सिंह जी हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, और अजय कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यजीत जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या किया आप लोगों ने? पहले तो आप लोग खुद नाराज हो गए, नाराज होकर के निकलने वाले थे, अब आजम खान को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं सुनने में आया है, वो भी ये पता चल रहा है कि कहीं किसी और घर की तलाश में हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को बदबू आती है कुछ लोगों से, ये सब चीजें क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी में, क्या कारण है? जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने 2012 में 224 सीटें दे करके आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस समय किसी ने सोचा नहीं था
कि समाजवादी पार्टी लगातार गिरती जाएगी और उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि 111 पे सिमट जाएगी और सरकार बनाते बनाते बनाने की तो बात छोड़िए, सरकार बनाने में सफल हो जाएगी पूरी तरीके से। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि जो कारवां हम जब 1992 से शुरू किए थे, समाजवादी दल जब शुरू हुआ था, उस समय से आज तक का इतिहास रहा है कि समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के अंदर कुछ कमियां जरूर होंगी जिससे लोग नाराज होते चले जा रहे हैं। लोगों को सम्मान ना देना, लोगों को तरजीह ना देना, बुजुर्ग अथवा फिर अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी राजनेता थे, उनसे सलाह मशवरा ना करना अथवा फिर उनको कोई सम्मान ना देना। आप एक चीज बताइए, राजनीति में आदमी दो चीजों के लिए आता है। एक तो आता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो, उसके लिए राजनीति की जाती है। दूसरा, उसका भी सम्मान उसमें छिपा होता है कि उसको भी सम्मान मिलता रहे। लेकिन अगर सम्मान नहीं मिलता और ना ही उत्तर प्रदेश के लोगों के भले के लिए कोई काम होता है तो दिक्कतें आती हैं, काफी दिक्कतें आती हैं। हम एक शायरी के माध्यम से कहेंगे, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से दो बूंद मिल जाए तो काफी। अगर इज्जत से दो बूंद भी मिल जाती तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने तो यही कहा था कि हमें इज्जत से दो बूंद दे दो। दो बूंद की भी बात नहीं थी, एक बूंद की बात थी। हमें एक टिकट ही दिया गया तब भी हम संतुष्ट थे, संतोष था। हम ये चाहते थे कि समाजवादी गठबंधन लेकिन बना लेकिन कुछ और... कड़, लेकिन कुछ कड़वे घूट पी लेते आप लोग, थोड़ा शांत रहते, कम से कम पार्टी तो मजबूत रहती उत्तर प्रदेश में। आप लोग बगावत पे उतर आए हैं, चाहे प्रसपा की बात नहीं कहते। नितिन जी, इसको बगावत नहीं कहते, बगावत तो इनके लोगों ने जो कारवां के साथ चल रही है, जैसे आधे दर्जन से अधिक लोग इनके जो सिपाहसालार हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, अथवा उनको हम थिंक टैंक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब इनके साथ चलने वाले लोग, एक शायरी फिर मैं कहूंगा, उसको गौर से सुनिएगा, सारा निचोड़। आज शायरी बहुत सुना रहे हैं आप। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इनके जो रहबर थे, जो आधे दर्जन रहबर थे, उन्होंने ही काफले को लूट लिया। और उसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ, मैं बताऊँ काफला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, नहीं सत्यजीत जी, ये भी तो हो सकता है कि शायद इस तरह का बयान दे दिया जाए तो उसके बाद शायद अखिलेश यादव की आंखें खुल जाए और वो आजम खान के लिए लड़ाई लड़ सके, या फिर नेता प्रतिपक्ष की मांग की जा रही तो शायद वो इस पर भी विचार करें। ये भी तो हो सकता है कि शायद चीजें बेहतर हो जाए। बहुत पुरानी बात है, कहा गया है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश बची नहीं है। अगर बची होती तो वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दिया जाता, उनका सम्मान किया जाता, उनको कहीं ना कहीं जो है उनसे सलाह मशवरा लिया जाता, हार के कारणों पे प्रकाश डाला जाता, उसकी एक बैठक होती। बैठक में समाजवादी दल की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाते, लेकिन नहीं बुलाया उन्होंने। उनकी मंशा स्वयं की नहीं है। नितिन जी, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी दल हो, लोगों को जोड़ने से चलता है, तोड़ने से नहीं चलता है। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको गौर करना चाहिए नितिन जी कि एक तरफ भारतीय जनता लगातार मिशन में बढ़ती चली जा रही है, उत्तर प्रदेश छोड़ती है गुजरात के चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है, उत्तर प्रदेश में बेहतर के लिए प्रयास करना शुरू कर देती है, दूसरी तरफ आप अपने ही दल में जो है घुटन महसूस करते हुए लोगों के नाक दबाते हो, लोगों की आंख मलते हो, लोगों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो। बात की लड़ाई नहीं थी कि लोगों को कमजोर कैसे किया जाए, बात की लड़ाई थी गठबंधन को मजबूत कैसे किया जाए। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए, इसका अफसोस है, इसका दुख है मुझे, और बहुत दुख है। 24 करोड़ की आबादी के लिए जो है कुछ करना चाहिए था आदरणीय अखिलेश यादव जी को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अफसोस है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शाही साहब, पहले शिवपाल यादव, फिर आजम खान, सब कह रहे हैं कि ये आप ही लोग का गणित है, कुछ आप लोग भिड़ा रहे हैं और इसी वजह से ये सब हो रहा है समाजवादी पार्टी में। ये तो दिख रहा है कि इनके कुनबे में इनके लोग जो है किस तरीके की बात कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है। शिवपाल सिंह यादव को जिस पार्टी का उन्होंने हटने के समाजवादी पार्टी से हटने के बाद जब उन्होंने प्रसपा का गठन किया, तब से शिवपाल जी
त्याग करने के लिए समाज में भाषण दे रहे थे, प्रेस कर रहे थे, लोगों से बोल रहे थे मैं विलय करने को तैयार हूँ, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक इतना बढ़िया संगठन करता अगर आपको इस तरीके से कह रहा है तो आप किस मोह और मद में हैं? मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये मोह और मद की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी, तो वो मोह और मद में थे तो अपने चाचा को ही दरकिनार किया, जिन्होंने इतने लोगों को टिकट देने की बात की, वो टिकट की बात जो है दरकिनार करके एक सीट पर उनको उतारा गया, ये उनके साथ छल नहीं किया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। और कोई भी व्यक्ति हो खान जी के साथ भी हुई, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहने के कारण वो चाहे जो भी उन्होंने अच्छा किया हो बुरा किया हो मुलायम सिंह जी के साथ रहे, मतलब एक तरह से कहिए कि हमराही रहे उनके, ढाई साल से जेल में बंद हैं, एक बार अखिलेश यादव जी उनसे गए हैं मिलने, आज उनके जो है क्या कहते हैं प्रेस के प्रमुख ने कहा कि उनको मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमान नहीं, उनको बदबू का जो उन्होंने बात कही, ये चीज मैं बहुत पहले से आपके भी डिबेट में कई बार कह चुका हूं, अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, ये मुसलमानों के साथ भी छल कर रहे हैं। इस तरीके से प्रचंड रूप से इस चुनाव में मुस्लिम इनके साथ थे और आज वो देखने को हसर मिल रहा है कि जिसको मुसलमानों ने अपना रहनुमा कहा, चाहे नेता कहा, चाहे जो भी कहा, एक 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 सवाल के साथ भी ये काम कर रहे हैं। एक सवाल है अपने एक सवाल है लगातार बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है, अभी जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, कृपया वो तस्वीरें भी स्क्रीन पे लाई जाएं, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई जाएं प्लीज। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि लगातार बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है, लेकिन अगर बात करी जाए आजम खान के पॉलिटिकल करियर पे, तो वो इस वक्त ऐसे मुकाम पर हैं, ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ से किसी नई छोटी पार्टी में जाना तो सही नहीं है, तो क्या कुछ बातचीत कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों की तरफ से कि अगर आजम आएंगे तो ले आया जा सकता है? वहां रहे ज्यादा बढ़िया है, अरे तो जब रहने नहीं दिया जा रहा तो कैसे रहे? तो अब ये तो उन लोगों का मुद्दा है, देखिए उनके घर में टूट हो रही है, बिखराव हो रहा है, तो उसका हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये उन लोगों का आंतरिक मामला है। लेकिन जो दिख रहा है, आपने आज एक बहस ऑर्गेनाइज किया उस पर, तो जो समाज में सोशल मीडिया में दिख रहा है उस पर मैं अपना ये बयान दे रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें आजम खान जी को फिट किया जा सके। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जावेद भाई, दोनों लोगों की बात आपने सुनी, एक आपके साथी हैं प्रसपा से सत्यजीत सिंह जी, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव का विवेक मर गया है, वो कोई भी सुनना कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं, और सीनियर नेताओं की लगातार पार्टी में बात नहीं सुनी गई, ना उनसे कोई चर्चा की गई, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी इस हश्र पर पहुंची है और आज आजम खान नाराज हो गए हैं, और बीजेपी भी लगातार इस बात को कह रही है कि सपा को मुस्लिमों का वोट चाहिए लेकिन मुस्लिमों से उसे समस्या सबसे ज़्यादा है। तो आजम खान वाला मुद्दा क्यों उठकर सामने आया, क्यों आपके ही नेता आप लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्या है मामला पूरा? मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा जी। आजम खान साहब जेल में हैं, जानते हैं जी। एक लगातार आरोप लगाया गया कि अखिलेश जी मिलने नहीं गए, मिलने भी गए। अच्छा, आज उसके बाद वो कई बार प्रयास हुआ, राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी, एक बार राज्य सरकार ने वापस भी किया, और इस समय आज की तत्काल की स्थिति है कि वहां पर प्रशासन ने परिवार को भी मिलने से रोक लगा रखी है। ये बात आज जिन फताहत अली खान साहब की बात लगातार हो रही है, उन्होंने भी आज मेरे साथ एक डिबेट में बैठ के स्वीकार किया। अच्छा, और फताहत मियां ने ये भी स्वीकार किया कि ये आजम खान साहब का दर्द नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत दर्द है। जिस बैठक में उन्होंने कहा ये बात रामपुर में,
उस बैठक में जिला अध्यक्ष गोयल जी भी थे, प्रदेश नेतृत्व ने गोयल जी से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। जहां तक ये बात आजम खान साहब, नो डाउट वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पार्टी के कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के दिलों की धड़कन है और शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की भी धड़कन है। यहाँ पर एक सवाल बार बार आ रहा है कि जो योगी जी ने कहा, योगी जी अगर आपको आजम खान सत्यजीत जी कह रहे थे इस बात को, नहीं नहीं वो बात जो है बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने भी आज हमारे साथियों ने कही, नहीं यहाँ तो आपके साथी ने कह दी, सत्यजीत जी भी इसी बात को कह रहे हैं। सत्यजीत जी भी कह रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अश्वनी भाई भी सुन लेंगे कि योगी जी को इतनी हमदर्दी अगर आजम खान साहब से है तो जिस जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर, जिला प्रशासन ने लोगों पर दबाव बनाकर फर्जी मुकदमे लिखाए, जो जनता के धन से जो निर्माण कार्य हुए थे उसका ध्वस्तीकरण कराया, तो आज योगी जी अगर इतने विनम्र इतने नम्र व्यक्ति हैं कि जिनको आजम खान साहब से बड़ी हमदर्दी हो रही, तो जैसे अपने मुकदमे वापस लिए थे योगी जी ने, वैसे आजम खान साहब के मुकदमे वापस ले लेने का काम करें, क्यों नहीं लेना चाहते कि केवल लड़ाना चाहते। आजम खान साहब को लेकर जिस तरीके की चर्चा छेड़ी गई है इसका कोई आधार नहीं है। विधानमंडल दल की बैठक में उनके बेटे सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो पूरी तरीके से जो वहां पर विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें उनको विधानसभा का भी नेता विरोधी दल चुनने में उनकी सहमति थी और विधानमंडल दल का भी नेता चुनने में सहमति थी। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, देखिए लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत होता है, उसकी क्षमता क्या होती है, जब हम किसी एक नेता के साथ उसके पीछे उसका चेहरा करके चुनाव लड़ते हैं और जब सत्ता मिलती है तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, अगर जनता जनादेश नहीं देती है तो क्या वो मैदान छोड़कर भाग जाए? उसको जनता ने अगर संघर्ष के लिए अपने मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए सत्ताधारी दल की निगरानी करने के लिए अगर जनादेश दिया है तो क्या अखिलेश जी को पीठ करके वापस चला जाना चाहिए था? अब जहां तक रही शिवपाल जी की बात, वो भी बहुत सम्मानित है, आदरणीय है। देखिये जो भी सार्वजनिक जीवन में है, हमारी अश्वनी भाई की व्यक्तिगत विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हमारा और उनके बीच में एक जो रिश्ता है, एक संबंध है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो कोई भी हो हम लोग। नहीं तो ये संबंध आपका सत्यजीत जी से क्यों नहीं है? वो तो बड़े नाराज दिख रहे हैं। देखिए वो सत्यजीत जी से भी वही है, नहीं वो कह रहे हैं कि आप लोग किसी की बात ही नहीं सुन रहे इसीलिए शिवपाल जी अलग हो गए। नितिन भाई सुनिए, सत्यजीत जी और हमारा का जो वैचारिक आधार है वो एक जैसा है, एक है। अश्वनी भाई का वैचारिक आधार अलग है, उसके बाद भी वैचारिक शत्रुता है हमारे उनके मध्य में, लेकिन हमारे उनके मध्य में जो एक इंसान का इंसान से रिश्ता होता है, एक भाई का भाई से रिश्ता होता है, उसमें कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके का मनभेद नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शिवपाल जी ने स्वयं कहा कि मैं प्रस्ताव रखना चाहता था लेकिन ये बात बाद में आई। हुआ क्या था, देखिये शिवपाल जी एक अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पल्लवी पटेल जी एक अलग पार्टी चला रही हैं। सत्यजीत जी सुन लीजिएगा, इसकी जरूरत है आपको। हाँ, ये तकनीकी तौर पर सपा विधानमंडल दल के सदस्य अवश्य हैं, लेकिन ये लोग अपना संगठन चला रहे हैं। जिस बैठक का हवाला बार बार दिया जा रहा है, ना उसमें पल्लवी जी को आमंत्रित किया गया, ना आदरणीय शिवपाल जी को आमंत्रित किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी शिवपाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। थोड़े सी चीजों के लिए इतने बड़े आरोप लगा देना, ये हमारे आपके लिए शोभा नहीं देता। नहीं, सत्यजीत जी लगा रहे हैं, मैं कहां लगा रहा हूं। कोई तकलीफ होती, अब आजम खान, अखिलेश यादव जी कोई जुडिशरी तो है नहीं जो चारों तरफ से घेरा जा रहा है, आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही क्यों घेरा जा रहा है? इसलिए घेरा जा रहा है कि लोगों को अखिलेश यादव जी की नेतृत्व क्षमता से और समाजवादी पार्टी से ही खतरा है। अच्छा। और उस खतरे से बचने के लिए इस तरीके का नहीं, वो लोग कौन है, शाही साहब है क्या उसमें? नहीं, अब वो मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से देखिए समाजवादियों का इतिहास तो नितिन भाई आप अच्छी तरह जानते हैं। जब गैर कांग्रेसवाद का नारा चलता था और कांग्रेस के विरुद्ध एक मजबूत विपक्ष की बात आती थी तो उसका नेतृत्व भी समाजवादी करते थे, अश्वनी भाई के का पूर्ववर्ती दल भी उसमें साझेदार होता था। चाहे आप उसको देखिए 67 का किस तरीके से क्या हुआ था कि कांग्रेस को 9-9 राज्यों में एक साथ जो है सत्ता गंवानी पड़ी थी, चाहे 77 हो। आप उसके बाद देखिए कि जिसको अश्वनी भाई की पार्टी लगातार चिन्हित करती है,
वो सब चीजें होने के, आज अगर गैर भाजपावाद की बात हो रही है इस देश के अंदर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कौन अपने जनाधार के साथ अपने विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की क्षमता में है। तो जिसके जिसके अंदर क्षमता होगी तो उसके नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है, ना कि इस तरीके की चर्चा को छेड़ने की। आजम साहब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और हम सबके दिलों की धड़कन है और उन्होंने इस तरीके का कोई भी अपना दर्द बयान नहीं किया, न उनको चाहत रही। जब वो सपा से कुछ दिन नाराज भी रहे, उसके बाद जब आजम खान साहब फिर सपा में आए, शिवपाल जी नेता विरोधी दल थे और शिवपाल जी ने ऑफर किया कि आप नेता विरोधी दल बन जाइए। हमारे नेता उस समय के आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा, लेकिन आजम खान साहब ने बड़ी शिष्टता और बड़ी नम्रता से कहा कि जो जिस पद पर है उस पद पर काम करे। और निश्चित रूप से एक बात ठीक है, ठीक है जावेद भाई, मैं आता हूं, सभी परंपरा आता हूं, शाही साहब दो लोग बच्चे मैं ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है जावेद भाई, ठीक है ठीक है। सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी आपको क्या लग रहा है, ये क्या था जो आज हुआ, जिस पर आज लगातार सुबह से चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गलियारों में कि आजम खान भी नाराज हो गए, क्या है ये? देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो जावेद भाई ने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला कि फसाद अली खान साहब का जो बयान था वो उनका व्यक्तिगत बयान था, चलिए हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान था। एक मिनट, जावेद भाई आ रहा हूं जी। नहीं नहीं, मैंने कहा सुभाष भाई को करेक्ट जी जी। फसाद अली खान जाहिर सी बात है कि आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया प्रभारी का मतलब यही होता है कि वो वही वही चीज बोलेगा, वही वक्तव्य देगा, वही बयान देगा जो उसके सुप्रीमो का, उसके नेता का आदेश होगा। कल जब उन्होंने बयान दिया था तब उन्होंने यही बोला था कि मुसलमानों का वोट तो समाजवादी पार्टी लेती है लेकिन उनके बारे में सोचती नहीं, उनके कपड़ों से बदबू आती है। आज अगर वो खंडन कर रहे हैं, अगर आज वो ये बोल रहे हैं कि वो मेरा व्यक्तिगत बयान था, तो चलिए जावेद भाई हम मान लेते हैं उनका व्यक्तिगत बयान था। आजम खान साहब जेल के अंदर हैं, अब्दुल्ला आजम खान साहब बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम खान साहब ने एक भी ऐसा कोई बयान या खंडन क्यों नहीं किया कि ये जो बयान दिया गया फसाद अली खान साहब ने, इस बयान से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, यानी कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम साहब की और आजम खान साहब की मौन स्वीकृति है इस बयान के अंदर, इसको आप झुठला नहीं सकते। ये बहुत बड़ा बयान है, इसकी गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा। ये आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाहे लाख कोशिशें कर लें, चाहे लाख बयानबाजी कर लें कि उनकी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो जरूर करता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आजम खान साहब की रिहाई के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो आदरणीय नेताजी के समय होती थी, इसको आप झुठला नहीं सकते। जौहर यूनिवर्सिटी का जब विद्यालय जब टूट रहा था, उनके गेट टूट रहे थे, जिस प्रकार से उनको लड़ना चाहिए था समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी। रही बात आप बता रहे हैं कि जेल प्रशासन उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलने नहीं दे रहा, तो ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये हमको राइट्स है कि हम मिल सकते हैं, चाहे वो महीने के अंदर एक बार मिले, चाहे 15 दिन में एक बार मिले, ये नियम है जेल का। इसका जवाब शाही साहब देंगे जी, जेल का कानून भी है। लेकिन अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं कि जेल प्रशासन उनको नहीं मिलने दे रहा है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और हम भी उस टीवी डिबेट में थे। हाँ, मैं जावेद भाई, मैं अभी ये सवाल शाही साहब से भी पूछूंगा कि मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। सुभाष जी कंटिन्यू। दूसरा जो हमारे प्रवक्ता प्रसपा के हैं जो इस बार इत्तेफाक अच्छा, इनको सबसे ज्यादा टॉनिक मिला जी, है जी बिल्कुल। ये जो बार बार आरोप ये भी लगा रहे हैं, ये सपा से अपनी विचारधारा कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो अतवारा साहब अगर नितिन जी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं करती, अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो अतवारा साहब ये आरोप नहीं लगाते। बिल्कुल, अगर नेता विपक्ष का पद आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को दे दिया जाता तो अतवारा साहब ये आरोप नहीं लगाते। ये जो शायरी का दो बार इन्होंने जिक्र कर दिया, तो मैं इनकी शायरी में भी जवाब देना चाहूंगा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो आदरणीय शिवपाल जी ने आपके प्रस्पा के सुप्रीमो ने एक जिद पाल ली है कि मुझे स्टेबलिस्ट होना है, जी मुझे स्थापित होना है, और साथ ही साथ अपने सुपुत्र आदित्य यादव को भी स्थापित करना है। इस वजह से उनकी नजदीकियां जहां बढ़ रही है मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा है, तो अतवारा साहब क्या करें, वो भी तो पार्टी गाइडलाइन से बंधे हुए हैं ना, उनको भी जो बयान देना रहता है ऊपर से जो आदेश आएगा वही बयान देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फसाद अली खान का बयान है वो आजम खान साहब का और अब्दुल्ला आजम खान साहब के बयान की स्वीकृति को दर्शाता है कि कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है। ठीक है, अजय कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हैं। अजय जी, आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? नितिन जी देखिए, एक बात तो क्लियर है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ।
लेकिन जहां तक रही बात आजम खान साहब की, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, जहां तक मैंने उनको देखा है। 2009 में निष्कासित भी किए गए 6 वर्ष के लिए, उसके बावजूद भी वो पार्टी के खिलाफ नहीं गए। उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए जहां वो समाजवादी पार्टी का विरोध करके मलाई खा सकते थे, लेकिन समझौते में खूब दौड़ करके कभी शिवपाल जी से, कभी मुलायम सिंह यादव जी से मिल करके, कभी अखिलेश जी से मिल करके, उस जब एक लंबी लड़ाई चली थी उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो इतना आसान नहीं है आजम खान साहब के लिए कि वो पार्टी छोड़ दें। दूसरी बात, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मुलायम सिंह वाला दौर नहीं रह गया है, ये अखिलेश यादव का नया दौर है। और इस दौर में हर जगह लोग होते हैं, हर जगह के लोग सेट होते हैं, आपस में कुछ करीबी होते हैं, लोगों को समझाते हैं, और हर राजनीतिक दल में होता है, और राजनीतिक पार्टियों राजनीतिक दलों में किसी संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता मैं। कौन कहाँ जाएगा, कब चला जाएगा, कब लौट आएगा, इस पर भी कह पाना कोई बहुत बड़ा वार्ता नहीं हो सकती कि कह दिया जाए और हम कल की बात दूसरी हो जाएगी, क्योंकि होता रहता है। बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन फिर वापस आ जाते हैं। अभी शिवपाल जी के साथ भी ऐसा हुआ, मिलने गए उनके घर, वो एक मजबूरी में गए थे, फोटो से भी लगता था कि मतलब किसी दबाव में गए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के दबाव में अखिलेश जी गए हों अपने चाचा से मिलने, और वो फोटो और वो चीज़ें बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा था कि ये कोई दबाव ही है। तो समझौते इस तरह से नहीं होते। दूसरी बात, जो आज मुस्लिम को लेकर के और ये सब चीज़ें चल रही हैं, एक राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं, आप अगर इसको गहराई से अध्ययन करेंगे तो मुसलमान भी अखिलेश यादव के साथ खुशी खुशी नहीं गया था। उसे ये लगा था कि एक चेहरा है जिसने कुछ विकास के नाम पे, इनके पास यूथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ा वोट वर्ग, जबकि मायावती के पास उससे बड़ा वोट वर्ग था। इनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। मुस्लिम इस लालच में गया कि ये अपने भाई बंधुओं को भी छोड़ा, जहां उनके भाई टिकट पाए बसपा से, उनको भी वोट नहीं दिया। अब दौर वो बदल गया, मतलब इन लोगों ने, चाहे उसको आंकड़ा कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, कैलकुलेशन में गलती हुई, यहाँ एक गलती हुई है मुस्लिमों से। एक जैसे वो भाजपा के लोगों को जैसे कहते ना अंधभक्ति, यहाँ भी एक अंधभक्ति दिखी कि कोई भी हो जो भाजपा को हरा रहा है हम उसी को वोट देंगे। अगर 10 ऐसे लोगों को, ये ओबैसी की पार्टी को ही ये लोग समर्थन कर दिए होते तो आज शायद इनका कोई रहनुमा होता। आज ये रहनुमा नहीं पा रहे हैं, एक कोई मुस्लिम नेता नहीं पा रहे हैं कि जिसके आगे जा करके अपनी बात कह सकें, अपना दर्द कह सकें। मुसलमानों की पीड़ा सबसे बड़ी ये है, और जो आप देख रहे हैं ये कवायद चल रही है, चाहे आप बर्क साहब की बात आपने की, नहीं तो शाही साहब की पार्टी ने 2 मुस्लिम मंत्री बनाए हैं। देखिए वो तो उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है। अच्छा, वहाँ पे नहीं जाके कुछ कहा जा सकता। 24 करोड़ की आबादी में अगर 2 मुसलमान भी नहीं बनाएंगे तो तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगेंगे। नहीं तो वहाँ जाके कुछ कह सकते हैं कि नहीं, देखिए समस्या नहीं, वो वहाँ नहीं जाएंगे, ये आप तय कर लीजिए। मतलब ये मैं अब जो देखता हूँ उसके आधार बता रहा हूँ कि आजम खान साहब जेल में सड़ जाना चाहेंगे लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम यही चाहता है कि भाजपा कैसे हारे, और आजम खान की फिर कहाँ करेंगे इस काम को, फिर तो उनकी पार्टी, उनके लोग, उनके भाई बंधु ही उनको हमलावर हो जाएंगे उनके ऊपर कि कहाँ चले गए, तो वहां तो नहीं जाएंगे। जो मेरा अपना ठीक सोचना है, जोड़ना है, ठीक ठीक। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो दौर बदला है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज ये रहनुमा तलाशने को मजबूर हैं और रहनुमाई मिल नहीं रही इनको, बस वही एक दर्द है। ठीक है, शाही साहब क्या कह रहे थे अब बताइए। जी देखिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि रहनुमा तलाश रहे हैं, तो देखिए ये सत्य है कि ये मुस्लिमों के साथ धोखा हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेता ने धोखा किया, क्योंकि ये सच है कि अब मुलायम सिंह जी वाली पार्टी नहीं रह गई, अखिलेश यादव जी एक अपने घमंड में चूर हैं, अकेले नेता ये नहीं है जो इन्होंने कहा। अभी शफीकुर रहमान वर्क जी का भी बयान सुनिए, जो इनके पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि मुस्लिमों के हित में समाजवादी पार्टी नहीं काम कर रही है। ये एक चीज को बताता है कि समाजवादी पार्टी जिस एम वाई को लेकर चल रही थी उसमें वाई तो शायद उनके साथ हो, एम नहीं रहा, एम में फूट पड़ गई। अब वाई जो बचा है ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी झुकाव हो रहा है उसका, और आने वाले दिनों में नितिन भाई आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी एक हमारी विपक्षी दल है उसके अंदर कला फूट सब कुछ है, आने वाले दिनों में हम यहाँ कमल ही खिलेगा, और गुजरात की तरह आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को खिलाने वाला कोई नहीं है
यहाँ पर, क्योंकि कर्मयोगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है, छल करने वाले लोग आगे हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम जो भी हो, जितनी योजनाएं हैं, कहने की बार बार जरूरत नहीं है, सबके लिए है, सबके दरवाजे पर है, सबके लिए उपलब्ध है। तो हम छल नहीं कर रहे हैं और वहां छल किया जा रहा है उनका वोट के रूप में यूज करके, और उनका यूज नहीं, कहीं उनका प्रयोग नहीं किया रहा, ना उनके साथ कोई रहता है, यानी कि मुस्लिम का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं। जी ठीक है, सरजीत जी क्या कह रहे थे आप? थोड़ी देर पहले जिससे मंजिल मिलती है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की मजबूरी है, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती तो शायद वो इस तरीके का बयान ना देते। तो थोड़ा सा मैं इससे बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जिससे मंजिल नहीं मिलती है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वो शिवपाल सिंह यादव जी है जिन्होंने राजनीतिक लंबा कैरियर जो है दिया है पूरी तरीके से, 45 साल का उनका अनुभव है और 25 वर्ष उन्होंने लगातार सत्ता और सरकार में रह करके उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया है। तो अभी ये इनके ऊपर नहीं फिट होता कि अब इनको मंजिल पाने की जरूरत है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को मंजिल पाने की जरूरत नहीं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को सम्मान पाने की जरूरत है। यही चीज अगर भाई साहब समझ जाते तो ये ना कहते जो है कि वो अपने बेटे को एडजस्ट करने के लिए, स्वयं को एडजस्ट करने के लिए, अथवा फिर अखिलेश यादव की सरकार में नहीं आए तो इस वजह से वो बयान दे रहे हैं, ये शब्द से इत्तफाक जैसा इत्तफाक का उन्होंने प्रयोग किया, मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ। मैं भी जो है कहने का अर्थ ये हुआ कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बड़ा कद है, सुभाष जी को जवाब दे रहा है, सुभाष जी को जवाब दे रहा है, जवाब ले लीजिए फिर बताइए। हाँ सुभाष द्वारा जी, जो आप बता रहे हैं कि उनको किसी चीज को पाने की जिद नहीं है, कोई मंजिल पाने की आवश्यकता उनको नहीं है, उनको सम्मान की जरूरत है, तो अतवारा जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, बहुत ही कम समय के अंदर अपना संगठन स्थापित किया था, और इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की जो सांगठनिक क्षमता है वो बहुत ही मजबूत और अद्भुत है। तो अगर उनको सम्मान ही लेना था तो वो अपनी पार्टी के सिंबल से अपने लोगों को लड़ाते और शायद जो आज वो समाजवादी पार्टी के जो सिंगल विधायक हैं, हो सकता था 4 हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, तो उनका सम्मान भी बनता और अपनी पार्टी के विपक्ष के अंदर नेता ही बने रहते, तो उनको ऐसे कौन से सम्मान की आवश्यकता पड़ गई, नहीं नहीं, ऐसे कौन से सम्मान की आवश्यकता पड़ गई जो उनको अखिलेश जी के पास जाना पड़ा और अखिलेश जी ने उनको ऐसा कौन सा सम्मान नहीं दिया कि अपनी राह तलाश रहे। आपकी बात आ गई, मैं समझ गया, जो है आप शायद पिछले दौर में नहीं जा पा रहे। सन 1992 को जब हमारा समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव उसके संगठनात्मक ढांचे को बनाने वाले और उस समय संस्थापक नंबर के तौर पर उन्होंने कुर्बानी देने का काम शुरुआती दौर से किया। क्या आपको नहीं लगता है जिसकी जड़ जहां होती है, जो विचारधारा जहां से होती है, वो अंतिम समय तक प्रयास करता है कि उस विचारधारा से मैं जुड़ा रहूं, उस दल से मैं जुड़ा रहूं, उन लोगों से मैं जुड़ा रहूं, उनसे टूटू ना, उनसे कटू ना, उनसे हटू ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी वहां उस दल के संस्थापक, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी जनता पार्टी के समाजवादी समाजवाद पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगे। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव का भी प्रेम था और समाजवादियों का भी प्रेम था, परिवार का भी प्रेम था और पुराने कुनबे का भी प्रेम था। तो क्या आप इस बात से इत्तफाक नहीं रखेंगे कि राजनीति जो है सिर्फ सिर्फ जो है खेल नहीं है कि हम इस से निकाले उसमें डाल दें, राजनीति संभावनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं मर्यादित आचरण का भी खेल होता है, तो मर्यादा पूर्वक काम करना चाहिए। हमने सोचा, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने सोचा कि अगर पुराने लोग हैं और किसी भी तरीके से पुराने लोगों में तरजीह मिलती है और सम्मान मिलता है, अखिलेश यादव जी गए थे घर पे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पुराने दौर में सोचा कि एक बार एडजस्ट करके देखा जाए क्या है कैसे है, बेहतर परिणाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि वो इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आगे आगे की रणनीति क्या बनाई है आप लोगों ने? यहाँ तो सम्मान नहीं मिला, यहाँ तो सम्मान नहीं मिला, क्या कहीं और सम्मान की बात हुई है क्या? नितिन जी, आगे की रणनीति स्पष्ट है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पुनः आस्था, देखिए वो सम्मान पूछ रहे हैं सुभाष जी की, कौन सा सम्मान चाहिए था आपको जो नहीं दिया? नहीं, सम्मान का अर्थ होता है क्या वरिष्ठ नेताओं को समाजवादी पार्टी आज सम्मान दे रही है, क्या आजम खान को सम्मान मिल रहा है, क्या इनके परिवार में अपर्णा यादव जी थी उनको सम्मान नहीं, आप आजम खान का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? आजम जावेद भाई ने बता तो दिया कि आजम खान नाराजी नहीं है, वो उनके किसी नेता का जो उनका मीडिया प्रभारी व्यक्तिगत बयान था।
जावेद भाई देखिए अच्छे वक्ता हैं, जावेद भाई कूल माइंड होकर के बहुत संयमित और बहुत ही और जावेद भाई की मैं तारीफ करूंगा जो है कि उनकी बोलने की शैली अच्छी है और अच्छे वक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है। नहीं क्या सही नहीं बोल रहे क्या वो? उनको जो कहना था उन्होंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को जोड़ने में, संगठन को एक करने में और संगठन के वरिष्ठ लोगों को तरजीह देने में आदरणीय अखिलेश यादव जी कमजोर साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आदरणीय अखिलेश जी सबको सम्मान दे, जी मेरे सवाल का जवाब लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, या तो गोल करें या तो स्पष्ट कर दें कि नहीं उनको सीटें चाहिए थी या उनको नेता विरोधी दल का पोस्ट चाहिए थी, पद चाहिए था, ये सम्मान चाहिए था, या सम्मान कौन सा ऐसा सम्मान, कम से कम स्पष्ट तो करिए। हाँ जी, सुखपाल सिंह यादव जी को जी मैंने तो बार बार कहा, आप अभी नहीं समझ पा रहे कि क्या चाहिए था। मैंने तो कहा कि जब संगठन चुनाव हारते या जीतते आदरणीय सुखपाल सिंह जी को बैठाना चाहिए था, संगठन पर चर्चा करना चाहिए था और संगठन में हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए थी और वरिष्ठ नेताओं की तरह जिस तरीके से उनका अनुभव है 45 साल का, उस अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। यही सम्मान की बात में कर लेकिन अतवारा जी तकनीकी तौर पे तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक है लेकिन वो एक पार्टी के सुप्रीमो भी तो है। जावेद भाई भी अभी कह रहे थे, जावेद भाई भी अभी कह रहे थे कि अलग एक दूसरी पार्टी से है इस वजह से नहीं बुला सकते थे हम लोग। तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ जो है कि देखिए हम समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, हम देखिए शिवपाल सिंह यादव जी जब लड़े चुनाव तो पहले उन्होंने सक्रिय सदस्यता ली समाजवादी पार्टी की और सक्रिय सदस्यता लेने के बाद जो है वो चुनाव से पार्टी पर चुनाव लड़े। कहने का विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाए गए, अगर अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। सत्यजीत भाई, सत्यजीत जी, शाही साहब पूछ रहे हैं, शाही साहब पूछ रहे हैं कुछ जी। शाही जी मैं ये कह रहा हूँ सत्यजीत जी से कि सक्रिय सदस्य को विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। अब जख्म कुरेद रहे हैं क्या आप? पूरी आवाज नहीं आ पा रही। शाही साहब कह रहे बताइए मेरा सवाल, शाही साहब कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया गया सक्रिय सदस्य को। तो यही तो अफसोस है, इसी बात का तो रोना ये है, आपके जख्मों को कुरेद रहे हैं। और देखिए ये भाई साहब जो हमसे बहस कर रहे हैं ये यही नहीं कह पा रहे किस बात का सम्मान। अरे नहीं आप डिनाय कर रहे हैं, बहस की बात नहीं, आपके पास शक्ति नहीं उस चीज को स्पष्ट करने का। अभी आपने बोल दिया कि उनको बुलाया नहीं गया, अब आप स्पष्ट कर रहे हो कि उनको बुलाया नहीं गया, यानी आपके मन में वो दर्द है कि उनको बुलाया नहीं गया। अश्विनी भाई की बातों से आप सहमत हो गए, यानी सम्मान की बात आप जो कर रहे हैं कि आपका सम्मान वही अटक रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर आपके नेता को बुलाया होता तो वो सम्मान था। अगर वही सम्मान था तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं प्रगति से समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो हूँ ही नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। स्पष्ट करना था ना, पार्टी छोड़ देनी थी ना उनको। आपको नहीं पता है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी सक्रिय सदस्य? मुझे तो ये भी पता है कि 2012 के अंदर जब विधायक बने थे तब भी सक्रिय सदस्य थे समाजवादी पार्टी के, शायद आपको ना पता हो। नहीं पता है ना, तो अब जब नगर से जब विधायक बने तब भी सक्रिय सदस्य थे 2012 के बाद, आपको ये ना पता हुआ जब पार्टी गठन हुआ तो समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ और मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूं, आपकी जानकारी अपडेट करता हूं, इस्तीफा दे दिया था लेकिन उसके पहले जब विधायक थे तब सक्रिय सदस्य थे कि नहीं थे वो? रुक तो जाइए, जब कोई पार्टी उनका काम है तो पार्टी से निकाले ना निकाले, उनका काम है दल बदल कानून उनके ऊपर लागू करे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप कहां से लॉजिक वाली बात कीजिए, लॉजिक तो है मेरी बातों के अंदर ना, तौर पर बैठे हो अभी आप लॉजिक की बात कर रहे, टेक्निक की बात कर रहे हैं, आप किस आधार पे बोल रहे हैं अखिलेश जी आपको बुलाएंगे? नहीं नहीं, जब आप तकनीक की बात कर रहे हैं, सुनिए द्वारा जी, तकनीक की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, तकनीकी तौर पर बात कर रहे तो फिर आप बार बार अपना दर्द क्यों उठा रहे हैं? क्यों बार बार अपना दर्द उठा रहे हैं? अखिलेश जी ने आपको बुलाया नहीं विधायक दल की बैठक में, क्यों बुलाए भैया आपको, क्यों बुलाए आपके नेता पार्टी के सुप्रीमो, उनको क्यों बुलाएंगे? समाजवादी पार्टी का अपना दर्द बार बार क्यों बयान कर रहे हैं? तकनीकी तौर की तरफ इशारा आप नहीं तरफ कर रहे हैं, उस तकनीकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों अपना दर्द बता रहे हैं बार बार कि नहीं बुलाया नहीं बुलाया नहीं बुलाया? हर डिबेट के अंदर आप ही रोना रोना थे। अरे भैया आपकी पार्टी के सुप्रीमो ऑलरेडी किसी अपनी पार्टी के सुप्रीमो है तकनीकी तौर पर, एक ही चीज की जिद किए हैं, एक ही चीज की जिद किए हैं कि सम्मान कैसा मिलना चाहिए। अरे राजी तो आप जीत किए, सम्मान नहीं मिलना चाहिए, आप ही बार बार बोलते हैं सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। अरे भैया कैसा सम्मान नहीं मिला जी? क्या अखिलेश यादव जी नादान है? क्या अखिलेश यादव जी को समझना नहीं चाहिए राजनीति में किस तरीके के सम्मान की जरूरत है? तो ये क्या नेता लोग नहीं जानते हैं? राजनीति में अच्छी बोली नहीं जाती भाई साहब, बोल के ही नहीं किया जाता, कुछ समझा भी जाता। आप अगर तकनीकी बात कर रहे हैं तो तकनीकी बात के ऊपर भी आप फेल हो रहे हैं।
आप जो टिकट मुझे कर रहे हैं तकनीकी तौर पर भी देखिए आपका दर्द निकल गया। अश्विनी भाई के सवाल से आपका दर्द निकला, इस चीज को मैं इसको समझ चुका हूँ। आप बार बार तकनीकी बात कर रहे हैं, तकनीकी तौर पर सुनिए, तकनीकी तौर पर वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, लेकिन जब दूसरी पार्टी अलायंस की पार्टियों की जब बैठक हुई उसके अंदर उनको नेता दिया गया था तो वो क्यों नहीं गए? आप जिस बात को सवाल कर रहे हैं उसी बात का मैं काउंटर कर रहा हूँ ना। आप तकनीकी आ रहे हैं, आप दर्द की बात कर रहे हैं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं, तीनों बातों पे आप आ रहे हैं, तीनों बातों के पास आपके पास सवाल के जवाब नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को सम्मान नहीं मिला? क्या आपको नहीं लगता है? अगर आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं तो क्या आप मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। मुझे भी लगता है कि आदरणीय शिवपाल जी के साथ जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिला। उसी बात की तरफ तो मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ ना, उसी बात पे इशारा कर रहा हूँ कि जब सम्मान, देखिए आप खुद बोल रहे हैं उनको 40 साल 42 साल 45 साल का अनुभव समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रगति से समाजवादी पार्टी का ढांचा भी उन्होंने खड़ा किया, तो उतने अनुभवी राजनेता है, सुन लीजिए इतने अनुभवी राजनेता है, क्या उनको इतना समझ में नहीं आया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं बेइज्जत होकर निकला, शाही साहब कुछ कह रहे हैं, जहाँ से मैं बेइज्जत होकर निकला वहाँ पे सम्मान मुझे मिलेगा नहीं? शाही साहब कुछ कह रहे हैं सत्यजीत जी? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ रहेंगे, उनको जोड़ना चाहता हूँ कि सम्मान नहीं मिला या सपा ने अपमानित किया, दो चीजें होती है, सम्मान न मिलना और अपमानित करना, ये है। तो मुझे तो लगता है कि सम्मान नहीं मिलने की बात नहीं है, अपमानित किया गया उनको समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के द्वारा। ये शिवपाल सिंह जी उसको डिजर्व नहीं करते थे, वो बहुत बड़े संगठन के नेता है। शिवपाल जी की जो सांगठनिक क्षमता वो बहुत अद्भुत है, उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ बार बार, लेकिन अथवारा जो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो तकनीकी वाली बातों में चले आते हैं। 75 जिलों में हमारा संगठन अभी भी काम कर रहा है और 75 जिलों में हमारे संगठन के तौर पर हम फिर से जाने जाएंगे, लेकिन उस संगठन के साथ जो है उन्होंने न्याय नहीं किया, ये समस्या ये है कि उस संगठन को लेकर इस तरीके, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात है जी, उस संगठन उनके पीछे इतने लोग थे सत्यजीत जी, अगर वो अपना स्टैंड करके विलय न करके उनके साथ जैसे राजभर जी लड़े, सब लोग लड़े, सबके साथ मिलकर लड़ते तो उनका वो अपमान नहीं होता, सम्मान बरकरार रहता और आज उनका एक वजूद जो खत्म करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है वो नहीं होता और वो एक स्टैंड कर रहे होते उत्तर प्रदेश में। देखिए राजभर में और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी में बड़ा अंतर है, वो उस पृष्ठभूमि से आते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और समाजवादी संगठन को खड़ा करने का काम और समाजवादी पार्टी बना लिया काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने किया है, तो इसलिए राजभर से तुलना आदरणीय शिवपाल सिंह यादव से करना हमें लगता है कि समीचीन नहीं होगा। जो है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जावेद भाई के पास चलेंगे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं जिसको उन्होंने खड़ा किया था 1992 में। ठीक है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो अपनी मातबरी और अपनी क्षमता को जानते हैं, संगठनात्मक स्थिति को जानते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, फिर तो गठन करके और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी का भला करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे। गली चौराहों पर हम लोग वैसे भी चाहते थे, हम सड़क से फिर संसद में आवाज उठाएंगे और लगे रहेंगे, जो है उत्तर प्रदेश का भला कैसे हो, 24 करोड़ की आबादी का भला कैसे हो और उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कैसे हो। सवाल आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के न्याय का नहीं रह गया है, ठीक है, लोगों के साथ तो न्याय नहीं किया, 24 करोड़ जनता के साथ कैसे न्याय करेंगे? ठीक है जावेद भाई के पास चलेंगे। जावेद भाई, दो चीजें निकलकर सामने आई कि आजम खान इसलिए नाराज है क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लग रहा है कि आजम खान उनकी बात सुन सकते थे और मुस्लिमों का रहनुमा के नेता के रूप में अब कोई भी समाजवादी पार्टी में नहीं है जहां वो अपनी शिकायतें लेकर जाएं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, सज्जीत जी कह रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, आपने बातें घुमा फिरा के रख दी है लेकिन मामला गंभीर है। नहीं देखिए नितिन भाई, अब सत्यजीत जी भी हमारे भाई की तरह है, वो तो भाई नहीं मान रहे हैं वो एक अलग चीज, लेकिन एक चीज जहाँ मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रख देता हूँ। हाँ जल्दी से। देखिए जो संघर्ष का साथी होता है हाँ। वो साथी खून के रिश्ते से बढ़कर होता है सार्वजनिक जीवन में, ये मेरी अपनी मान्यता है हाँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई इनकार नहीं है कि चाहे वो आजम खान हो चाहे शिवपाल जी हो, इन लोगों का अपना एक संसदीय जीवन है, इनका अपना एक अनुभव है, इनकी एक क्षमता है, उससे भी इनकार नहीं। ये दो दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है
कि आजम खान साहब को कोई दर्द नहीं है, आदरणीय शिवपाल जी भी जो है जो बातें कर जो बयान हमने देखे हैं उनके सुने हैं और उनके जो साथी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन कहां जा रहा है कौन कहां आ रहा है। अब अश्वनी भाई तो लगे हैं उसी जुगाड़ में कि कभी परिवारवाद का आरोप लगाएंगे और कभी परिवार को तोड़ के वो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ ये अश्वनी है, कल अश्वनी भाई की पार्टी के लिए यही शिवपाल जी अपराधी थे, गुंडे थे, डकैतों को संरक्षण देने वाले थे, जबकि अश्वनी भाई की पार्टी ने देश के सबसे दुर्दांत डाकू को तहसीलदार सिंह को चुनाव भी लड़ा दिया था, ये भी एक वो समय था। फूलन देवी तो आपकी सांसद रही भाई, इसमें कौन सी नई चीज है? तो हमने कब इनकार किया? हम तो उस महिला के साथ अश्वनी भाई जिस तरीके से दुराचार कदाचार हुआ वो शेरनी की तरीके से अगर वो उसने समाज का अगर सामना किया और समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया तो उसमें अन्यथा क्या था? उसमें तो अन्यथा कुछ नहीं था। और जिन्होंने जिन्होंने उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करके सांसद का टिकट दिया, अश्वनी भाई आपकी पार्टी ने उन्हीं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की के लिए शुभकामनाओं के बधाई की कितनी होर्डिंगे लखनऊ में लगाकर लखनऊ को पास दिया था, तो वो भी याद रखिएगा। ये दो चीजें बहुत स्पष्ट सी हैं, कहने के लिए कुछ भी कहा जाए। आज बड़े प्रवचन होते हैं, प्रवचन किसका होता है? दूसरे का कहा गया, तो आदमी को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि जिन आडवाणी जी के निजी सहायक बनकर नरेंद्र मोदी जी घूमा करते थे, वो समय की राम रथ यात्रा का संचालन कर रहे थे झोला डाल के, वो चित्र भी हमने देखे हैं और दुनिया ने देखे हैं। वही आडवाणी जी जब प्रणाम करते हैं मोदी जी को तो आडवाणी जी का प्रणाम जो है मोदी जी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्या जाएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जी को ये बात समझनी चाहिए, तो फिर कहना पड़ता है कि घर घर लंका इतने राम कहाँ से लाऊ, वो स्थिति तो अहंकार की मोदी जी ने भी उत्पन्न की, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी उत्पन्न की, क्या नहीं की कि शासन उस संवैधानिक और नैतिक रास्ते पर नहीं चला जो चाहा वो किया। कितने मंत्रियों के नाम उत्तर प्रदेश जानता था, कितने मंत्रियों के विभाग लोग जानते थे, आज वही स्थिति है कि पार्ट टू में योगी जी बड़ा लड़ भिड़ के अपना एक मंत्री बना पाए, 52 में 51 मंत्री दिल्ली से भेज दिए गए। जिस ब्रजेश पाठक जी को वो मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहते थे उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, जिन केशव प्रसाद मौर्य को वो रखना ये योजना ये योजना समाजवादी पार्टी को देना चाहिए था ना योगी जी को, हुआ कि नहीं समाजवादी पार्टी ने ये सुझाव ही नहीं दिया। ठीक है, समय कम है, प्लीज। ठीक है जावेद भाई, आगे बहुत अच्छा लगता है प्रवचन दूसरे का होता है तो दूसरे पर किसी तरीके का उंगली उठाने के पहले हमें अपनी तरफ देखना। ठीक है जावेद भाई, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी क्षमता के साथ है, सत्यजीत भाई भी हमारे मित्र हैं और कल ये जय पराजय चलती रहती है, जनता ने जनादेश दिया है, समाजवादी अपने मिशन से अपने लेकिन मुसलमान पिछड़ गए, शिवपाल सिंह चले गए तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा, ये भी सोच का विषय है जावेद भाई। ठीक है, ठीक है, हो गया आप लोगों का भाई। अजय अजय कुमार जी, समय दे तो अश्वनी भाई आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे, हम भी शर्मिंदा होंगे। ठीक है जावेद भाई, फिर किसी दिन चर्चा करूंगा। ठीक है अजय कुमार, बैठे तो थे हम लोग आजम खान पे बहस करने के लिए लेकिन मामला पूरा पूरा शिवपाल जी की तरफ चला गया। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि सम्मान पाने के लिए सम्मान और प्यार देना भी पड़ता है। सत्यजीत जी, ठीक है ना, आप अगर अपने भतीजे के खिलाफ पार्टी बना करके इतना बड़ा दल खड़ा करके सपा को चुनौती दे रहे थे तो आप कैसे सोचते हैं कि वो सम्मान पाएंगे, आप बताइए जरा मुझे। बड़ी देर से अखिलेश यादव जी, ये बात अखिलेश यादव जी को आपने नहीं बताया? नहीं नहीं, आप ये आपका मामला है, आप जो भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सम्मान सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देता है, सम्मान का लेन देन होता है, प्यार प्यार पाना प्यार बांटना सब साथ साथ चलता है। सत्यजीत जी, गलती हो गई, भाजपा सबको सम्मान दे रही है। हाँ भाजपा सबको सम्मान दे रही है, सत्यजीत जी को भी सम्मान देने वाली है जल्दी, और इसीलिए बहुत प्रभावित है भाजपा से, और इनके बयानों में वो प्यार झलक रहा है कि बहुत जल्दी शीघ्र ये भाजपा कमल लेकर के घूमना शुरू करें। ऐसा कुछ ऐसा ही है, मतलब ये दिख रहा है, ये भतीजे के लिए भी एक गुलाब का फूल लेके जाते कुछ करते कि भाई पार्टी बना के गलती हो गई, इतने बड़ा दल खड़ा कर लिया, जहां तोड़ा वो भाजपा को ही तो तोड़ा, जहां कमजोर किया सपा को ही तो कमजोर किया,
आप जहां जहां दल बनाए, आपका संगठन पूरे प्रदेश में है, उसमें 50% तो सपा ही है, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? नहीं, ये आप बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये बताइए जरा। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के चाहने वाले, हाँ ठीक है, शिवपाल सिंह यादव जी बहुत बड़ा कद है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन नुकसान उन्होंने किसका किया? अपने भतीजे का किया ना। नहीं, आप कह रहे हो सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान कैसे मिलेगा आप बताइए? आजम खान साहब ने तो पार्टी नहीं बना ली, 2009 में निष्कासित कर दिए गए थे, पार्टी से निष्कासित कर दिया आजम खान साहब को, आजम खान साहब ने तो कोई दल नहीं बनाया, उनके पास भी मुसलमानों की संख्या थी, आबादी थी, संगठन था, क्यों नहीं बना लिया दल उन्होंने? और आपको तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ दिया, आपको तो मुलायम सिंह यादव ने यहाँ तक दिया है कि जिसकी कल्पना नहीं शिवपाल सिंह यादव कर सकते हैं, बावजूद इसके नया दल बना लिया, नया दल बना करके आपने पूरे प्रदेश में संगठन बनाया, पूरे प्रदेश में संगठन बना के, सुनिए मेरी बात सतीश जी, अभी तक मैं बहुत शांति से सुन रहा था आपकी बात, सुनिए, सुनना सुनिए, थोड़ा कान के भी मजबूत बनिए, ठीक है? अरे बताइए, बोलिए, पूरे पूरे प्रदेश में आपका संगठन खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? ठीक है, आपने दबाव, आपने दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद भी आप 2022 का चुनाव एक सीट पर लड़ रहे हैं, किसका हनन हुआ? कुर्बानी है, ये कुर्बानी नहीं है, ये आपने दबाव बनाया, दबाव सफल नहीं हुआ। अगर आपको लगता, अगर आपको लगता, सुनिए सत्यजीत जी, अगर आपको लगता ठीक है तो आप, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास इसमें नहीं है, मैंने यही कहा सम्मान, सम्मान तभी मिलता है, सुनिए, सम्मान के लायक बनना पड़ता है, सम्मान के लायक जब आप बनेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, बात करते हैं सम्मान, सम्मान उसी, और राजनीतिक सम्मान की अगर रही बात आपके तो राजनीतिक सम्मान कोई चीज नहीं होती है, राजनीतिक सम्मान जिसको कहते हैं, प्यार करते हैं भाई, आप ही ने कहा पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, पाठक जी इतने दिन तक बसपा में रहे, तो राजनीतिक सम्मान की बात मत करिए, ठीक है ना? लेकिन अगर आप अपने दल की बात करेंगे तो आजम खान को निष्कासित किया गया 2009 में, उन्होंने अपना दल नहीं बनाया, और शिवपाल सिंह यादव अपने घर में ही, शिवपाल सिंह यादव इतने नाराज हुए मुलायम सिंह यादव के रहते, उन्होंने एक नया दल बनाया, उनकी नाराजगी भले वो उनसे रही हो, अपने बड़े भैया से जो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन दल बना करके उन्होंने अखिलेश जी को नीचा दिखाने की कोशिश की, इसीलिए वो सम्मान नहीं पा रहे हैं। ये ठीक है, समय कम, ठीक है, ठीक है, समय कम है मेरे पास, आप सभी ठीक है सर जी, जी हो गया, फिर किसी दिन चर्चा करते हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जहां विपक्ष के मजबूत होने की बात कुछ दिनों पहले कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार के मुकाबले विपक्ष भी काफी मजबूत है और जनता के मुद्दों को उठाता हुआ नजर आएगा, लेकिन समस्या इस वक्त यहां पर है कि विपक्ष के अंदर ही कई सारी समस्याएं हैं जिससे दो चार विपक्ष के नेताओं को होना पड़ रहा है, पहले शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी, अब आजम खान की नाराजगी, और क्या ये लिस्ट और भी लंबी है, और भी कुछ देखने को मिलना है, ये भी देखना अहम है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।